हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ धनबाद जीटी रोड, जिसे ग्रैंड टैंक रोड भी कहते हैं, गोविंदपुर में। ये आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर हमने भी कुछ ज़मीन खरीदी है। वहाँ आपको आया हूँ कुछ दिखाने के लिए। और इधर जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो, ये है जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड। ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हो, ये जाती है हावड़ा की तरफ। और इधर जो रोड देख रहे हो, ये जाती है दिल्ली की तरफ। तो दोस्तों, इस जगह का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने 1.5 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी अभी क्या पोजिशन है, क्या डेवलपमेंट है। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, मैं आपको घुमाता हूँ सारी प्रॉपर्टी। ये इसका एंट्रेंस गेट है। और ये आप सामने देख पा रहे होंगे, काफी हरियाली दी गई है। सामने एक छोटा सा पार्क की तरह दिया गया है। पहले ये काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था, मगर देखभाल की कमी के कारण काफ़ी गंदगी पसरी हुई है, और रंग रोगन भी नहीं हुआ, जिसके चलते थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले ये प्रॉपर्टी कैसी थी, कितनी सुंदर दिखती थी, और अभी इसकी क्या पोजिशन है। बहुत सारे घर भी बन चुके हैं यहाँ पर। जिस समय हमने ज़मीन ली थी वहाँ पर एक या दो घर बने हुए थे, अभी बहुत सारे घर बन चुके हैं या बन रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी प्रॉपर्टी, तो बने रहिए वीडियो में। ये इसका एंट्री गेट मैंने दिखाया था वहाँ से नज़दीक से। अब ये एंट्री गेट है। ये सामने छोटा सा पार्क बनाया गया है, वो सामने दूर जो वाइट रंग का देख रहे हैं वो ऑफिस है। और ये बैनर लगे हुए हैं, कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर देने वाले हैं, टेंपल, सिक्योरिटी, जिम, इसका बैनर लगा। एक दो और बैनर लगा था स्विमिंग पूल वगैरह का, वो अभी हटाया जा चुका है, शायद वो नहीं देंगे। ये नीचे जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, इसी प्रॉपर्टी का है। और वो सामने एक दो घर बन चुके हैं। डेकोरेट तो बढ़िया से किया गया, अगर अच्छे से रख रखाव किया जाए तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। तो वहाँ पे एक घर कंप्लीट हो चुका है अभी, तो आप सामने देख पा रहे होंगे, शायद दूर से नहीं दिख रहा होगा। वो एक घर बन चुका है, और इधर नीचे बहुत सारे घर बन रहे हैं। तो चलिए नीचे मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्रोग्रेस है यहाँ का। एक सामने एक देख रहे हैं, एक घर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे एक घर में काम लगा हुआ है। नीचे लगभग कंप्लीट हो चुका है, ऊपर का तल्ला बन रहा है। वहाँ पे सामने एक घर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर भी एक काम लग रहा है। तो लगभग 4 घर तो यहीं पे हो गए। एक घर मैंने आपको गेट पे दिखाया था, तो हो गया 5 घर। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, और भी ज़मीनें हैं। ये सारा इसी के अंदर में आता है। इधर नीचे, इधर सामने सारे रोड बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने लेके बाउंड्री करके छोड़ दिया है, कभी भविष्य में वो बनाएंगे या बेचेंगे। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, काफ़ी अच्छा रिटर्न आता है। वो सामने एक वाइट कलर का घर देख रहे होंगे, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके आसपास में 4 घर और बन रहे हैं, तो 5 और 4 9 घर हो गए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। इनका प्लान तो था लगभग 1000 प्लॉट बनाने का। देखिए, शायद फ्यूचर में 1000 प्लॉट हो जाए यहाँ पे, काफ़ी बड़ा कॉलोनी बन जाए। वो सामने एक स्कूल है, दूर में आप देख पा रहे होंगे, वो बच्चों का स्कूल है 10th तक का, CBSE।
तो पढ़ाई लिखाई की भी समस्या नहीं है यहाँ पे। वो सामने एक बंद पड़ा फैक्ट्री है, बहुत सालों से बंद है, आने वाले समय में उसकी भी ज़मीन बिकेगी, वहाँ भी कॉलोनी बनेगा। उधर दूर में एक घर देख रहे होंगे, काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, वो भी आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक घर और बन रहा है, काफ़ी जंगल झाड़ उगाए हैं देखभाल की कमी के कारण। जिनकी ज़मीन है वो देखभाल नहीं करते, शायद बहुत दिनों से आए नहीं हैं। कुछ गेटें उखाड़ ली गई हैं लोगों की अनुपस्थिति में। यहाँ पे पहले एक गेट लगा हुआ था। ये आसपास के गांव वाले अपने काम में यूज कर रहे हैं इसे। तो भाई साहब यही है प्रॉपर्टी, दूर दूर तक जहाँ पे देख रहे होगे इन्हीं के, इसी कॉलोनी के अंदर की ज़मीन है। हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो सामने हमारी प्रॉपर्टी है, चलिए दिखाता हूँ अंदर से। इधर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि प्लॉट खाली है इधर, इधर भी प्लॉट लेके कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ पौधे रोप दिए गए हैं, आने वाले समय में कुछ फल भी मिलेगा इन्हें। ये सामने जो बंद गेट है ये हमारी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें सफाई करवा रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे, मगर हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाए इसमें भी। इधर खाली पड़ी ज़मीन है, लगभग सारा बिक चुका है, कोई भी खाली नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में वो सेल करें या जो भी करें, उनकी मर्जी। तो चलिए अपनी प्रॉपर्टी अंदर से दिखाता हूँ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, हमने सफाई के लिए आदमी लगवाया था, इतना साफ़ हो चुका है, काफ़ी झाड़ उगाए थे। लगभग 11 डिसमिल है ये, थोड़ी सी और बची हुई है, वो भी सफाई हो जाएगा एक दो दिनों में। तो दोस्तों ये है सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाया, हमारे भी कुछ प्रॉपर्टी है। मेरा दिखाने का इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा या कुछ करूँगा कमीशन, बस मैंने आपको दिखा दिया। अगर कभी आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, उनके स्टाफ रहते हैं, उनसे बात करके अगर ख़रीदने की इच्छा हो तो ख़रीद सकते हो, वैसे बहुत कम प्लॉट खाली यहाँ पर। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने इस प्लॉट का, इस प्रॉपर्टी का वीडियो बनाया था, तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको भी देखिएगा और अभी का जो पोजीशन है वो देखिएगा। वो लगभग 1.5 साल पहले का वीडियो है और ये अभी करंट का वीडियो है, तो दोनों में क्या अंतर है वो आप खुद देखिएगा, खुद समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये प्रॉपर्टी या कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों दिसंबर बीतने वाला है और नया साल लगभग आने ही वाला है, और 7-8 दिन बचे हैं, उसके बाद हम 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों ये जो समय होता है ये पिकनिक का समय होता है, तो मेरे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आने वाले इस महीने में, तो वो सारे फोकस होंगे पिकनिक स्पॉट पे। तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जितने भी अच्छे पिकनिक स्पॉट है उन सब की वीडियो में बना के पोस्ट करूँगा। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो देखना मत भूलिएगा मेरे अगले वीडियो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेशन में। It's gonna be alright.